दोस्तों सीएससी की बिजनेस ऐप जिसे एमआई ग्रोसर ऐप भी कहते हैं, इसका डेस्कटॉप वर्सन आ चुका है जो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें आप अपने शॉप में जो भी बेचते होंगे सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीएससी की सर्विस एमआई ग्रोसर बिजनेस ऐप के डेस्कटॉप वर्सन के बारे में जो हाल ही में लॉन्च हुई है। मैंने इस सर्विस से रिलेटेड दो और वीडियो बनाए हैं जो मोबाइल वर्जन में हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऐड करना, सामान डिलीवर करना, इनकम सेट करना सभी चीज़ें कम्प्लीट हैं उसमें। अब इस वीडियो में हम डेस्कटॉप वर्जन में अपने शॉप का नाम जो पहले सीएससी बेमेतरा, सीएससी रायपुर इस तरह था, उसे अपने सेल्फ सेंटर के नाम से चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके शॉप नेम का प्रचार भी हो जाएगा और जो लोग आपको पहले से जानते हैं उन्हें आपके शॉप को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके जो डेस्कटॉप वर्जन है वो आप ओपन कर पाएंगे। लिंक मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। जैसे ही आप लिंक पर इंटर करेंगे, लॉगिन विद फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा। जिस मोबाइल नंबर के साथ आपका बिजनेस ऐप लिंक है उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं जहाँ पर लॉगिन विद फ़ोन नंबर लिखा है वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर आप 91 कर लीजिए, ये इंडिया का कोड है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके बिजनेस ऐप में लिंक है। फिर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। चलिए मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये बिजनेस ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे हम अपने शॉप का नाम, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में मैंने अपने शॉप का फ़ोटो भी ऐड किया है, अपने शॉप का नाम चेंज किया है। इससे पहले मेरे सेंटर सीएससी दाढ़ी नाम से सेव था, इसे मैंने फैशन कंप्यूटर ई शॉप दाढ़ी नाम से सेव किया है। वो सब मैंने कैसे किया ये आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप सबसे पहले प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाजू में देखिए यहाँ पर स्टोर डिटेल के नीचे में आपके शॉप का नाम लिखा हुआ होगा, अगर वो सीएससी बेमेतरा या रायपुर जो भी आपका नाम है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये पहले सीएससी दाढ़ी करके था, जिसे मैंने चेंज करके फैशन कंप्यूटर ई शॉप दाढ़ी के नाम से मैंने चेंज किया है। इसके बाद आपका लोकल एड्रेस है, अगर फॉर्म भरते समय आपने कहीं कोई गलती की होगी तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ़ोन नंबर अपडेट करना है, चेंज करना है, तो यहाँ एक ऑप्शन है अपडेट फ़ोन नंबर का, यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए एक ब्राउज़ का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर अपने शॉप का फ़ोटो डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने शॉप का फ़ोटो भी डाल सकते हैं। उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है बैंक डिटेल का। दोस्तों ये बैंक डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अभी तो जो ऑप्शन है हमारे सामने बिजनेस ऐप में वो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का है, बाद में ये ऑनलाइन बैंकिंग का भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप एडिट बैंक डिटेल में जाएंगे और अपना बैंक डिटेल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बिजनेस नेम जो आपने पहले सेव किया है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सेव कर देंगे और आपको जहाँ भी जो भी ऐड करना है इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ये सर्वर में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जो बिजनेस ऐप चला रहे हैं उसे एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करिए। अब आपके सेंटर का जो नाम है और डिटेल है वो चेंज हो जाए रहेगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम अपने शॉप में जो भी लोकल चीज़ है वो चीज़ें अगर हम बेचना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को हम ऐड कैसे करेंगे। नीचे से देखिए सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने शॉप में जो भी चीज़ बेचते हैं वो सभी चीज़ फ़ोटो के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम सर्च करते हैं उसका फ़ोटो सामने दिखता है, उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। उसी प्रकार आपके शॉप में जो भी सामान है उसका फ़ोटो भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि वो फ़ोटो आपके कस्टमर को दिखे। ऐड करने के लिए आपको राइट साइड में ऊपर प्लस का मार्क बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे एक प्रोडक्ट ऐड करके मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं सबसे पहले उसका फ़ोटो आप अपने कंप्यूटर में डाल लीजिए। जैसे मैं अपने शॉप में कंप्यूटर का माउस बेचता हूँ और मुझे माउस को ऐड करना है, तो आइए देखते हैं कि माउस को मैं कैसे ऐड कर पाऊँगा। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में वो कौन सी कंपनी का है,
और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं वो सभी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे माउस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रहा हूँ जेब्रोनिक्स और उसके बाद आगे लिखा हूँ USB ऑप्टिकल माउस। और भी आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे अमाउंट, जिस रेट में भी आप बेचना चाह रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे उसका MRP है 229 रुपये, तो मैं यहाँ पर 229 लिखूँगा। क्वांटिटी, ये जो अमाउंट है वो एक माउस का है या दो माउस का वो आपको लिखना है। तो ये एक ही माउस का रेट है तो मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ। उसके बाजू में ब्रांड लिखा हुआ है, आपको ब्रांड नेम लिखना है। उसके बाद आप जो भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं और उसका फ़ोटो जो आपने डेस्कटॉप में पहले से ही सेव कर रखा है ब्राउज करके यहाँ पर सेव कर लेंगे। प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देने के बाद नीचे क्रिएट लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया वो यहाँ पर शो होने लगा है और उसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इसी प्रकार आप जितने भी प्रोडक्ट आपके शॉप में हैं, जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो सभी चीज़ें आप फोटो के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अगर स्टेटस कंटिन्यू पेंडिंग दिखाएगा तो आपको मोबाइल वर्सन का जो बिजनेस ऐप है उसमें हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर जाने के बाद आपको एक मेल करना है कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड के लिए रिक्वेस्ट भेजा है जो अभी तक पेंडिंग है, ताकि जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट ऐड हो सके। इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन है, उन ऑप्शन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। एक यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्डर्स का, अभी तक आपने जितने भी सामान डिलीवर किए हैं अपने कस्टमर को उसका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस बिजनेस ऐप के डेस्कटॉप वर्सन के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इसका जो मोबाइल वर्सन है उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगा, या आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों बताइएगा ज़रूर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो अपने CSC ग्रुप में शेयर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।